जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका SSB क्रैक एग्जाम्स में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेजर दिव्या अजीत कुमार की, जो OTA से पास आउट होने वाली पहली फीमेल ऑफिसर बनी जिन्हें प्रेस्टीजियस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिली थी। नॉन डिफेंस बैकग्राउंड में जन्मी मेजर दिव्या ने खुद के लिए एक इम्प्रेसिव करियर चुना। मेजर दिव्या ने अपनी स्कूलिंग गुड शेफर्ड मैट्रिक्यूलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी करी और अपनी हायर एजुकेशन पूरी करी स्टेला मारिस कॉलेज चेन्नई से। कॉलेज के शुरुआत से मेजर दिव्या NCC की एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। 2008 में कैडेट के रूप में अपने डायरेक्टोरेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें चुना गया। उस ड्रिल में अपनी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाने के लिए मेजर दिव्या को ऑल इंडिया NCC गर्ल्स कंटिंजेंट कमांडर की तरह चुना गया। ये तो सभी जानते हैं कि रिपब्लिक डे कैंप में जाना खुद में ही डिफिकल्ट टास्क है, उससे भी ज्यादा टफ है कंटिंजेंट लीड करना। और दोस्तों आपको बता दें, ना सिर्फ वो कंटिंजेंट कमांडर बनी बल्कि उन्हें ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट का रिकॉग्निशन मिला। NCC की डेडिकेटिंग और थ्रिलिंग जर्नी ने उनके सिलेक्शन की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट कर दी। ग्रेजुएशन के बाद मेजर दिव्या ने UPSC द्वारा कंडक्टेड CDSE एग्जाम क्लियर किया और 2009 में आर्मी के लिए रेकमेंड भी हुई। OTA से ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट के रैंक पे मेजर दिव्या 2010 में कमीशन हुई थी आर्मी एयर डिफेंस में। OTA से ट्रेनिंग के बाद उन्हें प्रेस्टीजियस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड मिला। ये इंडियन डिफेंस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि किसी फीमेल को ये अवार्ड अपने नाम करने का ऑनर मिला हो। दोस्तों आगे की इन्फॉर्मेशन देने से पहले आपको बता दें कि अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस मिलेंगे जो आपको SSB इंटरव्यू के लिए सही तरह से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये बुक्स डेफिनेटली आपके SSB प्रिपरेशन को इनहांस करेंगी। कमिंग बैक टू मेजर दिव्या, मेजर ने 2011 में आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज के यंग ऑफिसर कोर्स में टॉप कर सिल्वर गन ट्रॉफी जीती। कमिशनिंग के 5 साल बाद मेजर दिव्या को रिपब्लिक डे पर 154 मेंबर की ऑल वुमेन कंटिंजेंट लीड करने के लिए सेलेक्ट किया गया। इस साल के रिपब्लिक डे पर हमारे चीफ गेस्ट US के फॉर्मर PM बराक ओबामा थे। TV पर मेजर दिव्या को देखकर हर इंडियन काफी प्राउड फील कर रहा था। बाद में उन्होंने OTA में इंस्ट्रक्टर की तरह भी सर्व किया, साथ में पार्टिसिपेट किया साउथ सूडान जाने वाले UN मिशन में। साउथ सूडान के रेडियो स्टेशन पर मेजर दिव्या की इम्प्रेसिव स्पीच सुन के सारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स काफी खुश हुए। मेजर दिव्या अपना सारा टाइम सिर्फ फौजी जॉब में नहीं स्पेंड करती हैं, वो एक एक्टिव बास्केटबॉल और डिस्कस थ्रो प्लेयर भी हैं। वो एक अकॉम्प्लिश्ड भरतनाट्यम डांसर भी हैं। साथ में वो समय समय पे स्कूल और कॉलेजेस विजिट करती हैं। वो वहाँ पे यूथ को मोटिवेट करती हैं ताकि यूथ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सके। जब मेजर दिव्या से पूछा गया कि एज अ फीमेल ऑफिसर उन्होंने इंडियन आर्मी में क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन महसूस किया, तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि आर्मी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। वो इस जेंडर बैरियर को एक चैलेंज की तरह लेती हैं और अगर वो ये कर सकती हैं तो उनका मानना है यकीनन कोई भी फीमेल ये कर सकती है। जब मेजर दिव्या की मदर से उनकी बेटी की अचीवमेंट की बात पूछी गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी बेटी पर बड़ा गर्व है। बचपन से ही मेजर दिव्या को हर टास्क को सीरियसली लेने का और उसके साथ एंड तक स्टिक करने का शौक था। इस डिटर्मिनेशन की वजह से ही मेजर दिव्या इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाई हैं। हर इंडियन सिटीजन के लिए ये काफी प्राउड मूवमेंट था जब मेजर दिव्या ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर रिसीव किया था। इस रिकॉग्निशन को बैक किए हुए उन्हें 10 साल हो गए, पर आज भी हम उनकी बात करते हैं। इंडिया मेजर दिव्या अजीत कुमार जैसे ऑफिसर्स पे काफी प्राउड है। श्योरली हर फीमेल एस्पिरेंट को इनसे सीख लेनी चाहिए और इन एक्सेप्शनल क्वालिटीज को इम्बाइब करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।